ईद पर यतीम बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त और उन्हें खुश रखना बहुत काबिल सताइश काम और बेहतरीन अमल है। ये बात ज़िला वस्ती बल्दिया के चेयरमैन रेहान हाशमी ने वी केयर फाउंडेशन के तहत यतीम बच्चों के साथ चांद रात पर एक रंगारंग तकरीब से खिताब करते हुए कहा। वैसे तो ईद सब लोग अपने घरों पे मनाते हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स जिंदा हैं वो बच्चे अपने वालदैन के साथ मनाते हैं, लेकिन वी केयर फाउंडेशन की जानिब से ये जो प्रोग्राम है कि चांद रात वो ऑर्फन बच्चे, यतीम बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप की नेमत से महरूम हैं, उन बच्चों के साथ मनाना, यही असल में देखें अगर जो रमज़ान की फजीलत है उससे मुस्तफ़ीद होने की बात करें अगर, तो ये वो लावारिस बच्चे हैं जिस पर कुरान भी कहता है, हदीस भी कहती है, दीन भी सिखाता है, अखलाकियात भी सिखाते हैं। ये रियासत की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी होनी चाहिए। बदकिस्मती से फलाही रियासत का तसव्वुर पाकिस्तान में बातें तो करते हैं मगर उसका तसव्वुर हकीकी तौर पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जो इदारे कर रहे हैं वो खराज तहसीन पेश करते हैं हम उनको। यहाँ पर हमारी मौजूदगी, मेरी मौजूदगी इन ऑर्गेनाइजर्स के साथ इस बात की अक्कासी करती है कि वी ऑल्सो केयर कि जो ऑर्फन्स हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनका भी हक है, उनका एक उनको मुआशरे का एक कारामद हिस्सा बनाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है।